हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं ये है गूगल असिस्टेंट एम्बियंट मोड और इस पे अभी कोई पिक्चर फ्रेम नहीं आ रहा है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आप अपना पिक्चर फ्रेम इस पे सेट कर सकते हैं ताकि ये जो टाइम अभी शो हो रहा है इसकी जगह आपका पिक्चर फ्रेम स्टार्ट हो। सबसे पहले आप यहाँ सेटिंग्स में जाइए, अपना फ़ोन को अनलॉक कीजिए और उसके बाद आइए अपने गूगल असिस्टेंट की सेटिंग्स में। तो मैं पहले बता दूं आपको कि ये सेटिंग्स में आने के लिए आपको कैसे जाना पड़ेगा। सबसे पहले आप आइए गूगल में, उसके बाद आइए आप मोर में, सेटिंग्स, असिस्टेंट और नीचे है ये फ़ोन सेटिंग्स। अब यहाँ पे आप इसको ऑन कर दीजिए, ये ऑन, ऑफ और ये ऑन। अब यहाँ से अपना गूगल फोटो फ्रेम जो आपको अपने फ्रेम में ऑन कर यूज़ करने हैं उनको सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने इस पूरे को सिलेक्ट कर लिया, मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ अपना फोटो और इसको कंफर्म कर देता हूँ। तो ये मैंने अपना फोटो सिलेक्ट कर लिए हैं, ये इसको चूज कर लेगा और हम इसको कर देंगे डन। ठीक है, इसके बाद आप इसको लॉक कीजिए और थोड़ी देर इसको वेट करके देखिए। तो ये आपके आपका असिस्टेंट का एम्बियंट मोड। अब यहीं पे आपको थोड़ी देर वेट करना है ताकि ये इसका पिक्चर फ्रेम मोड को ऑन कर दे। तो वेट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि फ्रेम में पिक्चर्स स्टार्ट हो गई हैं। तो ये कुछ एक दो मिनट वेट करने के बाद आपकी पिक्चर्स स्टार्ट हो जाएंगी और ये आपका जो फ्रेम है फिर उसको ये एम्बियंट मोड में आपका जो भी पिक्चर्स आपने सेलेक्ट किए हैं वो आपके यहाँ आने लगेंगी। तो देखने के लिए थैंक यू। कोई डाउट क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।